गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम हरा धनिया आलू खस्ता कसौरी बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये गेहूं का आटा ले रखा है, हमने हरा धनिया ले लिया और ये अजवाइन है, हम इसे क्रश करके अजवाइन को डाल देते हैं। आज हम आलू की कचौरी बनाएंगे, बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। देखिए, हमने ये पेटीज बनाया था तो हमारा मसाला बच गया है, इसे हम आलू की कचौरी बना लेते हैं, फेंकेंगे नहीं। इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। ये गया नमक, हमने नमक डाल दिया। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। देखिए, हमने 2 चम्मच ये तेल डाल दिया। अब आटे को गूंथ के हम तैयार कर लेंगे। तेल को ऐसे हम साफ कर लेते हैं। देखिए, इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के आटे को हम गूंथ के तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये रहा आटा। अब इसमें पानी जा रहा है, हल्का हल्का सा, ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें। जैसे आटा हम लोग रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें आटा गूंथ के तैयार करना अपना। देखिए, एक ही बार पानी नहीं डाला जाता है आटा गूंथते समय। इसे हमें हल्का हल्का सा डाल के आटे को गूंथ लेना है। देखिए, अच्छे से हमें मिला के थोड़ा सा और पानी ले लेंगे। हल्का हल्का सा पानी लेते हुए आटे को गूंथ के हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऐसे हमने इसे, देखिए ऐसे नरम हो गया है, ऐसे ही चाहिए। अब इसे अच्छे से हम आटे को गूंथ लेंगे। पहले अच्छे से इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, इसे ऐसे ही करके इसे हम इकट्ठा कर लेंगे आटे को। देखिए, हमने इसे इकट्ठा कर लिया। अब इसे अच्छे से हमें गूंथ के तैयार कर लेना है। देखिए, हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। हरा धनिया आलू कचौड़ी हम बनाएंगे। इसमें हमने खूब ढेर सारा धनिया डाला है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दे रहे हैं। देखिए, 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा रेस्ट कर लिया। अब बनाना स्टार्ट करेंगे हम। अब इसमें से हम इतना तोड़ लेते हैं, ठीक है। तोड़ के इसे हमें ऐसे करके हमें छोटे छोटे इसके बॉल बनाने हैं। देखिए, ऐसे ही अब इसे हमें करना है गोल। हम ले लेंगे सूखा आटा, हमने सूखा आटा नहीं लिया है, सूखा आटा ले लेना है। सूखा आटा लगाएंगे। देखिए, इस पे हमने सूखा आटा लगा लिया है। अब इसे ऐसे ही करते हुए हमें, देखिए कैसे हमने इसे कर दिया है, कटोरी के जैसे बना लिया है। अब इसमें डाल जाएंगे ये जो हमने मसाला तैयार किया है, ये मसाले। देखिए, हमने इस मसाले को डाल दिया। अब इसे ऐसे ही करते हुए हमें सील कर देना है। देखिए, इसे हमें सील कर दिया अच्छे से हमें करके। देखिए, हो गया। अब इसे हमें हाथों से अपने दबा देना। इसे ऐसे करने से कचौरियां जो हमारी हैं बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगी। हरा धनिया आलू कचौरी, देखिए। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें सूखा आटा लगा लेना रहेगा, जैसे हमने पहली बार बनाया वैसे ही हम सारा बना लेंगे। देखिए, अभी हमारी कचौड़ी हम बना रहे हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने पहले से रख दिया था। अब उसमें तेल में हम अपनी कचौड़ियों को डालेंगे, इसको हम साइड में हटा देते हैं। देखिए, हमारी कचौड़ी को 2 मिनट हो गया है तलते हुए। हमने इसे उलाट पलाटते हुए, मतलब इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे के साइड जल जाएगा और ऊपर कच्ची रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे बीच बीच में ऐसे ही पलाटते हुए देखते रहना है, तभी अच्छी कचौड़ी खस्ता बनके तैयार होगी, बहुत ही अच्छी लगती है। हरा धनिया आलू खस्ता कचौड़ी, देखिए इसे हमें अच्छे से हिला देना है। इसे हिलाते हुए हमें पलाटते हुए बार बार हमें इसे पलाटते रहना है, तभी दोनों साइड से बहुत ही अच्छा खस्ता बनके तैयार होगी। कलर देखिए चेंज होता गया है, हमें इसे बार बार पलाटते हुए तैयार करना है, तभी अच्छी कचौड़ी बनके तैयार होगी। देखिए, हरा धनिया आलू कचौड़ी जो है हमारी हो गई है तैयार। इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, कितनी फूली फूली सी खस्ता कचौड़ी जो है हमारी बनके हो गई है तैयार। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।